स्कॉलर क्या आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो इसमें हमें जो है रेफरेंस देना होता है। अगर हम पास रिसर्चर का कोई भी हम साइटेशन देना चाहते हैं तो उसका साइटेशन किस तरीके से देते हैं। देखिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा हमें सिस्टमेटिक जो तरीका होता है वो हमें फॉलो करना होता है। तो पहले हमें देखना होगा कि हम रेफरेंस लिखते ही क्यों। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कुछ पेपर्स हैं मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियरल फाइनेंस। मैं एक पेपर आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पेपर है एंड इसका देखिए पेपर का टॉपिक है दैट इज स्टॉक रिटर्न्स एग्रीगेट अर्निंग सरप्राइजेस एंड बिहेवियरल फाइनेंस। तो देखिए टॉपिक से मतलब हमें क्या समझा जा रहा है कि स्टॉक रिटर्न और एग्रीगेट रिटर्न कुछ रिलेशन बता रहा है और इसका इम्पैक्ट बता रहा है कि बिहेवियर, यानी कि जब कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड दी एग्रीगेट अर्निंग सरप्राइजेस, राइट। तो आप भी देख सकते हो कि पेपर का फॉर्मेट देखिए किस तरह से है। पहले देखिए एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब देखो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है, जैसे देखिए ये क्या आपको क्या रेफर कर रहा है, मतलब ये क्या दिखा रहा है आपको। दैट मीन्स यहाँ पर इस पर्सन है जो रिसर्चर है इस स्टडी में यहाँ पर जो है रेफरेंस यूज किए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि दिस पेपर स्टडीज द रिलेशन बिटवीन स्टॉक रिटर्न एंड एग्रीगेट अर्निंग सरप्राइजेस एंड एक्सटेंसिव लिटरेचर इन्वेस्टिगेट्स द स्टॉक मार्केट रिएक्शन टू इंडिविजुअल कंपनीज अर्निंग अनाउंसमेंट। यानी कि इस पास रिसर्चर ने स्टडी में क्या बताया है, रिलेशन बताया है किसके बीच में, स्टॉक रिटर्न एंड एग्रीगेट अर्निंग सरप्राइजेस, ठीक है। एंड इस पेपर में जो रिलेशन में इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, यानी कि क्या कंक्लूड किया हुआ है, उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन है वो इंडिविजुअल कंपनी के अर्निंग पे इम्पैक्ट करता है। तो अल्टीमेट हमें क्या रिजल्ट मिला इस पेपर से, दैट मीन्स देर इज अ पॉजिटिव correlation between the stock market return and the individual company's return। इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए आप individual investor हो, आप मान लीजिए stock market में invest कर रहे हो, अगर आपको पता लग कि अब इस company का result आने वाला है, right? आपको पता है कि like इस company का market cap बहुत अच्छा है, इस company ने जो है last 4 years में जो है profit earn किया है, तो हो सकता है इस साल भी वो कंपनी का प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा हो। तो आपने क्या करा कि कंपनी का प्रॉफिट अनाउंस होने से पहले ही जो है जस्ट 1 वीक बिफोर, या कह सकते हैं कि 1 डे बिफोर आपने क्या उस कंपनी को शेयर परचेज कर ली। आपको पता है कि दैट देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द स्टॉक मार्केट रिटर्न एंड द इंडिविजुअल कंपनीज अर्निंग। तो आपने क्या करा कि एक दिन पहले ही जो है उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक परचेज कर लिए। आपने सोचा कि चलो रिजल्ट तो आएगा पॉजिटिव, तो इसका स्टॉक मार्केट जो रिटर्न जो अच्छा देगा हो सकता है 5% 10% एक दिन में दे दे, तो आपका कहते अपना प्रॉफिट जो है 5 या 10% जो भी होगा वो आप बुक करके आप निकल लाओगे। तो ये पास रिसर्चर ने इस पेपर में अपने यहाँ पर जो है ये बताया। तो यहाँ पर ये तरीका क्या है, यानी कि लिखा कैसे, पहले पर ये क्वेश्चन आ रहा था कि हम इसको लिखने की ज़रूरत क्यों है। देखिए जो पेपर होता है, जैसे देखिए पेपर में इसको टॉपिक का जो अभी हमने टॉपिक का जो नाम पढ़ा क्या पढ़ा था, दैट इज़ स्टॉक रिटर्न, राइट, एंड द अर्निंग्स इंडिविजुअल कंपनीज अर्निंग एंड दैट इज रिलेटेड विद द बिहेवियरल फाइनेंस। तो रिसर्चर देखते हैं, जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो पहले हम बताते हैं कि हमने पास्ट रिसर्चर से ये स्टडी पढ़ी, वहाँ से हमने ये फैक्टर्स जो हैं ये लिए, अब उसके बाद हम प्रेजेंट स्टडी में हम ये और एडिशन मॉडल लगाना चाहते हैं। या हो सकता है कि पास्ट रिसर्च की जो स्टडी हो आप वही सेम स्टडी ले रहे हो लेकिन टाइम डिफरेंट है, तो हो सकता है आपका रिजल्ट कुछ हो रहा है, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आपने पास्ट रिसर्च से क्या लिया, कौन से फैक्टर लिए, ठीक है, आपने क्या क्या स्टडी करी है, ठीक है। तो आप अगर आप नहीं बताओगे, मान लीजिए अगर आपने ये सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख दी, दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आपने कुछ नहीं बताया कि ये स्टेटमेंट कहाँ से लिखी, तो ये क्या होगा आपका, आपकी लैंग्वेज में क्या होगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा। और जब भी आप किसी अच्छे जर्नल में, जैसे कोई स्कोपस इंडेक्स हो गए, ABDC जर्नल हो गए, ठीक है, या फिर UGC जो लिस्टेड हो गए, वहाँ पर अगर आप पेपर अगर आप कभी भी पब्लिश कराने लेते हो तो वहाँ पर देखिए जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स क्या कहते हैं कि अगर आप
पब्लिश के टाइम पे अगर आपका प्लेजरिज्म मोर देन 10% हुआ तो आपका पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपको प्रॉपर साइटेशन देनी होगी कि आपने ये स्टेटमेंट कहाँ से लिखी। इवन चाहे आप उसकी पैराफ्रेजिंग कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आप वो फिर भी जो है जो जो कहते पब्लिशिंग हाउस है वो आपकी जो है चीटिंग वहाँ पर पकड़ लेंगे। सो इससे अच्छा है कि आप इसको अपनी, देखिए साइटेशन देना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, मैं तो कहूँगा कि अच्छी बात है कि आप पास रिसर्च में आप बताना चाह रहे हो कि आपने इतनी इतनी स्टडी पढ़ी। आप ही देखिए यहाँ पर इस स्टडी में देखिए कितनी सारी जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये रेफरेंसेज देखिए कितने सारे रेफरेंसेज की हैं। देखिए एन एम्पिरिकल रिवेल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इनकम नंबर, सम टाइम सीरीज प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड अ मॉडल ऑफ इन्वेस्टर सेंटिमेंट। देखिए उन्होंने कितने अच्छे अच्छे पेपर उन्होंने पढ़े हैं, उन जो कि प्रॉपर साइटेशन भी यूज़ किए हैं, तो इसलिए हम जो यहाँ पर जो रेफरेंस यूज़ करते हैं, राइट। तो देखिए अब आपको पता चल गया है कि हम जो यहाँ पर किसी भी रिसर्च पेपर में हम रेफरेंस देने का मोटिव क्या होता है। अब हमें देखना है कि इसको रेफरेंस देने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, वो किस तरह देना वो होता है वो देखिए। देखिए वैसे तो देखिए वर्ड फाइल में हमारे पास जो है यहाँ पर रेफरेंस देने का बहुत अच्छा मॉडल है, जैसे देखिए यहाँ पर रेफरेंसेज में आप दे सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको मैं एक पर्टिकुलर टूल के थ्रू बताऊँगा जिसका नाम है दैट इज़ मेंडली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है अपने विंडोज़ जो भी आपका लैपटॉप है या एप्पल का है, विंडोज़ का या आईओएस का, आप वहाँ पर जो है मेंडली का सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करो, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको इस तरह का मेंडली डेस्कटॉप यहाँ पर शो करेगा, राइट। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे इसके बाद आपको करना है इसको सिंक करना है आपको किस में, वर्ड में। जब आप रेफरेंस में होगा यहाँ पर आपका आएगा, ये देखिए ओपन माइंड, देखिए यहाँ पर ये मेंडली का ऑप्शन आ जाएगा। इंसर्ट साइटेशन में देखिए यहाँ पर ये मेंडली का देखिए आइकन बना आ रहा है, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं टॉपिक लिखता हूँ, जैसे सपोज रिलेटेड टू फैक्टर एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट रिटर्न्स इम्पैक्टिंग ऑन बिहेवियरल फाइनेंस। मान लीजिए मेरे पेपर का टॉपिक है, ठीक है, इसको हम बोल्ड में कर देते हैं। ये पेरा पेपर का टॉपिक है। अब इसके बाद देखिए आप क्या लिखते हो, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, राइट। इसके बाद क्या लिखते हो, आप इंट्रोडक्शन लिखते हो। इंट्रोडक्शन में आप जो अपनी पास्ट रिसर्च यानी कि जितनी आपने स्टडी करी है वो आप बताते हो, राइट। अब एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसी पेपर का हम लिखते हैं कि इस पेपर में इन्होंने क्या निकाला। सो देखिए आप यहाँ लिख सकते हो जैसे स्टेटमेंट में आप इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप पता लगा सकते हो कि इस पेपर में क्या निकला। ये लिखा हुआ है वी स्टडी द स्टॉक मार्केट रिएक्शन टू एग्रीगेट अर्निंग्स न्यूज, प्रीवियस रिसर्च शोज दैट फॉर इंडिविजुअल फर्म्स स्टॉक प्राइसेस रिटर्न पॉजिटिवली टू अर्निंग न्यूज बट रिक्वायर सेवरल क्वार्टर्स टू फुल्ली रिफ्लेक्ट द इंफॉर्मेशन इन अर्निंग। क्या बताता है कि इन्होंने पास रिसर्च से क्या पता लगाया कि यस कि स्टॉक प्राइसेस जो रिएक्ट करते हैं किससे, किसी भी इंडिविजुअल फर्म की पॉजिटिव न्यूज है। जैसे कि आपको पता चला कि अब किसी भी कंपनी का जो है रिजल्ट आने वाला है और वो पॉजिटिव जाने वाला है, ठीक है, तो आपने इसको शेयर परचेज कर लिए। वो कह रहा है कि पास ऐसे बताते हैं कि इसका रिफ्लेक्ट तो होता है बट वो काफ़ी टाइम बाद होता है यानी कि कुछ सेवरल क्वार्टर्स लग जाते हैं। इसका लिखा हुआ है कि वी फाइंड दैट द रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स एंड द अर्निंग इज सब्सटेंशियली डिफरेंट इन अर्निंग डाटा, यानी कि डिफरेंट है। आगे ये बता रहे हैं फर्स्ट रिटर्न्स आर अनरिलेटेड टू पास रिटर्न अर्निंग सजेस्टिंग दैट द प्राइसेस नीदर अंडर रिएक्ट और ओवर रिएक्ट टू एग्रीगेट अर्निंग न्यूज। क्या बताते हैं, जैसे किसी भी कंपनी का जो भी स्टॉक मार्केट रिटर्न है वो करंट जो रिटर्न है वो प्रीवियस रिटर्न से जो है वो कोरिलेट नहीं करता। दैट मीन्स करंट प्राइस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस प्राइस, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्राइस जो नीचे जा रहा है तो आज गए नीचे तो कल भी नीचे जाएगा, हो सकता है कल ऊपर चला जाए, ठीक है। दैट मीन्स कोरिलेटेड नहीं है, कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑटो कोरिलेशन।
ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कोई भी सीरीज जो है अपनी ही सीरीज से रिलेट नहीं कर रही, उसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी भी कंपनी इंडिविजुअल का जो रिटर्न है वो उसका प्रेजेंट जो रिटर्न है वो पास्ट रिटर्न से कोई उसको कोई रिलेशन नहीं है, राइट। देन एडिशनली एग्रीगेट रिटर्न्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द कंकरेंट अर्निंग ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज 6.5% इन क्वार्टर्स विद नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ एंड ओनली 1.9% अदरवाइज। दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट अर्निंग एंड डिस्काउंट मूव टूगेदर ओवर टाइम एंड प्रोवाइड्स न्यू एविडेंस दैट द डिस्काउंट रेट शॉक्स एक्सप्लेन अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट रिटर्न। यानी कि जो किसी भी कंपनी का जो रिटर्न है वो सिर्फ जो प्रीवियस हिस्ट्री है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो प्राइस की जो मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप देखिए इस कंपनी का इस पेपर का अगर आपको कुछ ब्रीफ लिखना है, यानी कि आपने इस पेपर में क्या पढ़ा, तो क्या लिख सकते हो कि दिस पेपर और दिस स्टडी फाइंड्स दैट देयर इज अ negative relation between the individual's company earning and the past earning. Or you can say and there is no auto correlation between them. ये आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखिए आपको इसकी जो है साइटेशन कैसे देनी है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपने इस पेपर के थ्रू लेके, यानी कि आपने एक तरह से आप उसको अगर आपने इसका रेफरेंस नहीं दिया तो चीटिंग माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप स्टेटमेंट कैसे लिख रहे हो, कैसे बता रहे हो आप कोई भी जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हो उसकी थ्योरी कहाँ से आई, तो आप बताना चाह रहे हो तो कैसे करना है आपको। देखिए आपको क्या करना है, आप जब आप मेंडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो आपको इस तरह का ही डैशबोर्ड नजर आएगा। आपको क्या करना है कि पहले आप अपना कहीं पर भी अपने जो भी पेपर्स हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे देखिए बिहेवियर फाइनेंस में पास ये दिस एंड नंबर ऑफ पेपर्स हैं। आपको करना क्या है, मेंडली पे जाइए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट फोल्डर, क्रिएट फोल्डर में जाइए, यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हो दैट इज रिलेटेड टू बिहेवियरल फाइनेंस। ये मैंने नाम दे दिया। इसके बाद आपको करना है ऐड में जाना है। अब ऐड में जाने के बाद आपके पेपर्स जहां पर भी हैं आपको वहां जाना है। जैसे देखिए मेरा पेपर ये है, यहाँ पर ये रहा बिहेवियरल फाइनेंस, सेलेक्ट ऑल एंड देन ओपन इट। आपके सारे पेपर जो है यहाँ पर अब वन बाय वन यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे, राइट। अब ये पेपर्स आपके सारे आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो देखिए मेरा पेपर ये वाला जो भी मैंने पढ़ा था अभी, आई गेस यही था, यस यही था। तो करना क्या है आपको, बस इस पे सेलेक्ट करना है आपको, राइट, सॉरी यहाँ पर नहीं जाना, पहले आपको वर्ड ओपन करना है, गो टू रेफरेंस, गो टू रेफरेंस, क्लिक ऑन इंसर्ट साइटेशन एंड देन गो टू मेंडली, गो टू मेंडली, सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पेपर फॉर विच यू वॉन्ट टू गिव साइटेशन, सो सेलेक्ट करो एंड जस्ट क्लिक ऑन साइट, दिस डबल इन्वर्टेड कॉमास साइट। ये देखिए यहाँ पर आ जाइए इस पेपर का, देखिए यहाँ पर साइटेशन आ गया होगा। ठीक है, आप क्या करना है, आपको यहाँ पर रेफरेंस भी देना होता है लास्ट में। तो करना क्या आपको, जस्ट रेफरेंस में जाकर यहाँ पर आपको करना है इंसर्ट बिब्लियोग्राफ, दैट्स इट। तो देखिए इस पेपर की ये यहाँ पर भी आ गई। ठीक है, आपको मैं एक और एग्जांपल देते हैं, एक और पेपर का हम आईडी ले लेते हैं। सपोज इफ आई, आप चाहे मेंडली में आप कोई भी पेपर आप ओपन कर सकते हो,
कोई भी हो गया, जैसे मान लीजिए सपोज दिस वन, ये पेपर हो गया। यहाँ पे पेपर का टॉपिक है इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इन द थ्योरेटिकल फील्ड ऑफ बिहेवियर फाइनेंस। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया है, दैट इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज अ रिसर्च एरिया इन द थ्योरेटिकल फील्ड ऑफ बिहेवियर फाइनेंस दैट एनालाइज द सेंटिमेंट ऑफ इन्वेस्टर एंड द वे इट इन्फ्लुएंसेस स्टॉक मार्केट एक्टिविटी, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो दैट दिस पेपर सजेस्टेड दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मार्केट सेंटिमेंट्स एंड द इंडिविजुअल्स बिहेवियर टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट। ठीक है, अभी बस मैं आपको एक समझाने के लिए आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, करना क्या है फिर आपको देखिए, आपको जस्ट ये पेपर, आपको देखिए कौन सा पेपर आपका ये दिस वन, तो जस्ट गो टू वर्ड, इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेंडली, सेलेक्ट दिस पेपर एंड जस्ट क्लिक ऑन साइट। तो देखिए यहाँ पर ये साइट हो गया, अब देखिए रेफरेंस में आपका ऑटोमेटिकली आ गया जो भैया, ठीक है। अब देखिए अच्छा यहाँ पर आपको देखना होता है कि जब भी आप साइटेशन दे रहे हो तो उसका आप कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हो। देखो जो मैंने यहाँ पर जो कर रहा हूँ APA स्टाइल, दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये देखो डिपेंड करता है कि आप जो पेपर कहाँ पर पब्लिश करना चाह रहे हो, उसका स्टाइल हर पब्लिशिंग हाउस का साइटेशन जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए ये उस तरह चेंज रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए IEEE हो गया, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप जो पेपर अपना कहाँ पर पब्लिश कर रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग आता है, राइट। तो ये एक बहुत इजी जो ये जो रेफरेंस टूल है सॉफ्टवेयर दैट इज मेंडली, काफ़ी यूजफुल है। ऑटोमेटिकली जो है मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रेयर हैं इसमें, इसमें साइटेशन देना बहुत ईजी है। तो इस तरीके से हम जो यहाँ पर साइटेशन दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ गिविंग द प्रॉपर साइटेशन for the